हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ शो दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा चाहे ए के प्लेस पे हम कुछ भी रखें, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें डी कैलकुलेट करना होगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जनरली हम लोग डी के लिए लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल के टर्म्स में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लेटर है क्वेश्चन में ही स्मॉल लेटर ए ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसलिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे हैं। कभी भी ऐसा होगा जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में अगर स्मॉल लेटर ए बी सी इन्वॉल्व हो तो हम डी के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे आ गया ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये वाले ए के प्लेस पे आ गया 1 और सी के प्लेस पे है माइनस 4। तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 इंटू 1, ये 16 आ गया। तो ये आ गया डी का वैल्यू। अब क्लियरली हमें ये दिख रहा है ए के प्लेस पे हम कुछ भी पुट करें, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू या जीरो, इस पूरे का वैल्यू जो है मिनिमम 16 तो रहेगा ही। अगर हम ए के जगह पे जीरो भी पुट कर दें तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 16 आ जाएगा। ए के प्लेस पे अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर प्लस 16 वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस 16 वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज 16। डी का जो है मिनिमम 16 तो वैल्यू रहेगा ही रहेगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। ए के प्लेस पे हम कुछ भी पुट कर दें, डी का वैल्यू मिनिमम 16 तो रहेगा, 16 से ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू ऑफ डी 16 विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, हैंस D इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। D का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा जीरो से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम तो 16 आ रहा है, हैंस D इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और जब भी ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हैंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है ये, बस यही था इस क्वेश्चन में। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।